बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है सर कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी मांग ली और अब जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए लोकसभा और राज्यसभा में, तो डिस्कशन की जरूरत क्या है? तो फिर सांसद की क्या जरूरत है, उसको बंद कर देते हैं, बंद ही कर दो फिर। फिर प्राइम मिनिस्टर को जो कहना है कह दें, जो कानून बनाने हैं बना दें, तो इसके इसका क्या मतलब, बंद ही कर लो। राहुल जी, आप ये जो तीन कानून थे, ये किसानों पर आक्रमण था, मजदूरों पर आक्रमण था। मगर किसानों और मजदूरों की जो डिफिकल्टीज हैं, मुश्किलें हैं, वो MSP, कर्जा माफी, वो लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है, और वो अभी तक मतलब उनकी मांगे हैं और उनको उनका हम समर्थन करते हैं। हमने कहा था कि जो तीन काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि तीन चार बड़े जो पूंजीपति हैं, उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो तीन काले कानून थे, उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है, और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया, और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी, उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन MSP पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था, लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड ने यह दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। नहीं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने यह एक्सेप्ट किया कि उनकी गलती के कारण से 700 लोग मारे गए, उनकी गलती के कारण से ये जो पूरा आंदोलन हुआ है। तो फिर अगर उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली है, तो फिर कॉम्पनसेशन देना तो पड़ेगा। देखिए, जिस प्रकार से लिया है इन्होंने, सबसे पहले इसने किसानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि थोड़े से किसान के संगठन, एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज लॉज। ये कोई ग्रुप नहीं है, ये हिंदुस्तान के सब किसान हैं। पहले आपने इनको खालिस्तानी कहा, अब आप इनको ग्रुप ऑफ फार्मर्स कह रहे हो। ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स नहीं है, ये हिंदुस्तान के सारे किसान हैं, और ये समझते हैं कौन सी शक्तियां इन पर आक्रमण कर रही है। नहीं, मैं किसान संगठन से क्या अपील करूंगा, उनसे कोई अपील करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार किसान संगठन है क्या, उनने क्या गलती की है, उनके 700 लोग
शहीद हुए हैं उनको आपने मतलब एक साल यहाँ आप बैठा रखा है, उनको घर नहीं जाने दिया आपने, आपने कहा कि गलती मेरी है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन दो ना, और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करो, एमएसपी पूरी उनको दो।